सुप्रभात चौंतला। उत्तराखंड का एक और खूबसूरत सूर्योदय। सुबह होते ही मैंने निकाला अपना ड्रोन और शुरू किया इस खूबसूरत जगह को रिकॉर्ड करना। और ये है माँ उफ्राय भगवती का मंदिर, जहां से हम आज अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। माँ उफ्राय भगवती यहाँ की कुल देवी है और इनकी बहुत मान्यता है। और इस मंदिर से दिखते हैं आसपास के खूबसूरत नजारे। ये है पड़ोस का गांव शिवपुरी। जय माँ उफ्राय भगवती। ये है माता का छोटा सा और प्यारा सा गांव चौंतला। अब टाइम हो चला है पूजा का, तो चलते हैं मंदिर पूजा प्रार्थना के लिए। गोबर को देखते हुए हम जा रहे हैं मंदिर पूजा प्रार्थना के लिए। ये आ गई मंदिर की एंट्री। क्या खूबसूरत जगह है। तो ये है माँ उफ्राय भगवती और दुर्गा माता के मंदिर। सम्मोहितं देव समासमेत संवे प्रसन्ना भुवमोहितो गणेशा पूजने कर्मम यन्ना मदिता कर्म। और ये है गांव के एक पुराने घर में नरसिंह भगवान का मंदिर। चलो भाई, पूजा पाठ हो गई है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा चौंतला एक्सप्लोर करने के लिए। एक फ्रेंड भी बन गया है चौंतला से, मिस्टर रवि मलासी। विल मीट हिम, ही विल टेक मी अराउंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। क्या जगह है यार, बहुत ही सही। चलो लेट्स मूव। हमारे नए फ्रेंड बने चौंतला से, मिस्टर रवि मलासी। सो रवि, कहाँ लेके जा रहे हो बताओ? हम आपको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आगे पे तो चलते हैं अपना। तो आगे मतलब गधेरा है ना आगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलो ठीक है, चलते हैं, आ जाओ। वाह क्या रास्ता है, ये बड़ा खतरनाक है। तो शादी के टाइम पे तो बसेस जब एक गांव से दूसरे गांव जाती होगी तब, बाकी तो इस रूट पे तो ट्रैफिक तो होता ही नहीं होगा। नहीं, तो उत्तराखंड के इंटीरियर से यहाँ पे है गधेरा ये। ओके, इस टाइम तो कुछ भी कम ही होगा था, लेकिन बरसात के टाइम पे बहुत ज्यादा, इससे भी तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा गाड़ियां इधर उधर नहीं जा पाती। ऊपर चढ़ा दो थोड़ी सी गाड़ी। हाँ चढ़ा दो, थोड़ा सा चढ़ा दो, थोड़ा सा। हाँ ये चढ़ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, धोते हैं गाड़ी को। यहाँ लाए हम गाड़ी को धोने के लिए, बहुत ही गंदी हुई थी कल ट्रिप पे।
बहुत सारे कीड़े वीड़े चिपक गए थे शीशे पे, तो रवि लेके आए हैं यहाँ पे हमें गधेरा पे। ये है असली उत्तराखंड की इंटीरियर्स। ओ काम पे लगते हैं। गाड़ी धुलवा दी, एकदम जगमग आ गई है गाड़ी। अब चलते हैं और आगे, लेट्स एक्सप्लोर सम मोर। वैसे व्लॉग ना निकले आज उसी बड़ी। अच्छा यहाँ जाना होगा। हाँ अभी यहीं कहीं पे भी लगा दो, राइट साइड पे लगाता हूँ। हाँ। गाड़ी आएगी ना बस। नाउ लुक एट दिस प्लेस, देखो ये लड़का कहाँ पहुँच गया है। तो जगह ही इतनी खतरनाक सी है आने का रास्ता। ओके लेट्स ट्राई ऊपर चढ़ने का। सो वी आर एट द एज राइट नाउ। कुछ लोग यहाँ पे पार्टी करके चले गए हैं, गंदा करके, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। एटलीस्ट साथ में लेके जाओ कूड़ा, अदरवाइज लुक एट इट, बहुत ही सुंदर, ऑसम ही ऑसम है। रवि कल जब हमें जाना है कहाँ, क्या कौन सा टेंपल था? नैना देवी। नैना देवी, अच्छा इसके ऊपर। ऑलरेडी हम लोग इतनी हाइट पे हैं, कालाजार ऊपर जाएंगे, क्या व्यू आएगा वहाँ से, मतलब यहीं से इतना बढ़िया व्यू है। चौथला हमारा उससे आगे है ना, मोड़ से पीछे छोड़ दिया हमने, उसके उधर है ना। हाँ छतोड़ा, अच्छा उसके उधर होगा। और ये कौन सा, ये छोटा सा जो दिख रहा है लिया। हाँ। और ये जो दो ऊपर है, ये है डुंगरा, ये पूरा डुंगरा। अच्छा ये पूरा डुंगरा है, इतना बड़ा गांव। और हमने कल गाड़ी लेके कहाँ तक जाना है, डुंगरा तक ना। हाँ वहाँ पे जहाँ पे स्कूल है ना, वहाँ पे, वहाँ से पैदल जाना है हमने वहाँ पे। वाह 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 वाह, उसके बाद लास्ट जाएंगे। ओके कल मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, अभी तो फिलहाल वापस चलते हैं। और आगे क्या है इस तरफ? इसके आगे तो गांव ही है, ऐसी नहीं है आप। ओके ऐसा वाला मतलब ऐसे व्यू पॉइंट्स वगैरह नहीं होंगे, नॉर्मल रोड और गांव है, यही है। ठीक है चलते हैं फिर वापस चलते हैं। वहाँ बर्फ गिरती इसलिए वो गंजे हो रखे हैं, वो पहाड़। अच्छा ओके देखते हैं, अगर मौका मिला विंटर्स में आएंगे तब देखेंगे। चलो चलते हैं, आराम से आना, आराम से आना। हाँ जी हाँ जी, चलो 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 मैं आ रहा हूँ। नहीं चलो चलो चलो, थोड़ा सा फिसलन थी यहाँ पे, फिर यहाँ भी गंदगी, यही प्रॉब्लम है लोगों की। टूरिस्ट नहीं, इवन लोकल्स भी तो करते ही है ना ये। हाँ। आके पार्टी वार्टी करके चले जाएंगे कूड़ा फेंक के। लोकल्स को भी समझना चाहिए टूरिस्ट के साथ साथ। ये रही हमारी ब्यूटीफुल सी पतंग सुपट्टी, इसका भ्रमण आपने करा दिया है जिया जी, थैंक्स टू यू। Welcome. ये देखो क्या जगह है, ये यहाँ भी खाई यहाँ भी खाई। हाँ जी रवि जी बताएं कैसा लगा आपको हमारा छोटा सा गाइडेड टूर? जी बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब जैसे तुम स्वीट हो वैसे ये जगह भी अपने आप में बहुत ही स्वीट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ज्यादा तारीफ मत करो सर हमारी मेरे को। नहीं जो सच है वही बोल रहा हूँ यार, वैसे भी पहाड़ के लोग तो होते ही हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी आंखें नहीं है। बोलते हैं पहाड़ियों की छोटी छोटी आंखें रहती है। नो कमेंट्स ऑन दैट। और जो जो ब्लॉग देख रहा है तो आ सकते हैं, लेकिन गंदगी मत करना। हाँ, जैसे लोगों ने कर रखी है। बिल्कुल सही में, मतलब यहाँ पे आया जा सकता है, बहुत ही सही जगह है ये। बट हाँ यहाँ होटल्स वगैरह नहीं मिलेंगे जी,
हमारा दिल बहुत बड़ा है इतना। आप आ सकते हो, हमारे भी आ रहे हो, सब्सक्राइबर हो, है ना। और कुछ बताओ अभी गाँव के बारे में। जो अभी जहाँ से हम आ क्या रहे हैं बारा गाँव, तो वहाँ ऐसी खासियत है कि वहाँ के एक भी खेत बंजर नहीं है। अच्छा, पूरे खेत में धान बो रखा होगा पीछे जो था। जी जी जी, ओके। सारे खेतों में। अच्छा, वहाँ बंदर बंदर वगैरह है लेकिन वो फिर भी करते हैं। अच्छा, ये खासियत है। हाँ, बंदरों का यहाँ पे बहुत दिक्कत है ना, बंदरों की वजह से कुछ उगा नहीं सकते आप। और सुअर, सुअर भी। अच्छा, बहुत ज्यादा आतंक। और बाकी आपको थार की राइड कैसी लगी? बहुत ही गजब, बहुत सुंदर, जो बोलो कम ही कम। चलो अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि अभी शाम की पूजा भी बाकी है, तो हमने ब्रेक लिया था बीच में। पूजा में जाना आवश्यक है। यस, ये भूमि उत्तराखंड में आए हैं तो पूजा तो करनी जरूरी है। सनसेट होने को आ गया है और घर पे चल रहा है कीर्तन। और हमने आपको दिखाया आज की किस तरीके से उत्तराखंड के कल्चर में पूजा पाठ को बहुत अहमियत दी जाती है। तो आज का जो दिन था वो हमारा जो मंदिर था, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे सामने, उस मंदिर की पूजा से शुरू हुआ एंड द पूजा कंटिन्यूज टिल नाइट। और यही इस चीज़ की खूबसूरती है। सो गाइज, और यहाँ पे बन रही है सब्जी और यहाँ पे बन रही है रोटी। ये आलू छिल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये रोटी ठीप रहे हैं। ओहो, इनकी जल्दी शादी होने वाली है, ये तो अपने वाइफ को नहीं, सासु माता के साथ। अच्छा, सॉरी सॉरी, सासु माता के साथ बात कर रहे हैं। अब अकेला नहीं बोना तुम कुछ, ये मेरा ब्लॉग नहीं है। जी जी, ब्लॉग। ये है मेरी बड़ी वाली दीदी, ये है छोटी वाली दीदी, ये है ताई जी, ये है बुआरी जी, ये है भाभी जी, ये है सोनू और ये है बंटी भैया। शर्मा शर्मा के अपने सासू जी के साथ बात कर रहे हैं। पसीना छूट रहा है उसका डर के। और यहाँ पे भी गप लग रही है, बातचीत हो रही है। हेलो करा, हेलो, कोई नहीं, वीडियो बनाऊं मैं। और यहाँ पे अभी हमने पूजा की और अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। जिया जी हेलो कर दो। हाय, हेलो। दीदी के साथ जिया जी हेलो करेंगे, अकेले में नहीं कर रहे हैं। अकेले में करते हैं। हाय बोलो। हाय हाय, साथ में, साथ में बच्चा। हाय बोलो। हेलो, हेलो गाइस। ये बाबा, अच्छा सुना, हेलो कर दी, हेलो कर, हेलो कर, हेलो गुड। तू भी कर या जी, वदी जी लगे होला ते जस के आलू उतरे। ओ बाबा को मन नहीं खा। Oh,
आज का दिन किस तरह पूजा पाठ और मस्ती में निकल गया पता ही नहीं चला, और कल का दिन अभी बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।